जायका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आज हम बनाएंगे चिकन नगेट्स। इस मेथड को फॉलो करते हुए जब आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो बिल्कुल बाहर जैसी नगेट्स आप घर पर बहुत ही आसानी से और कम खर्चे में बना सकते हैं। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को शुरू करते हैं। और अब हमने एक मिक्सी के जार में 250 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है। चिकन को छोटे पीसेस में काट कर हम मिक्सी में ऐड करेंगे। और अब हमने 3 ब्रेड की स्लाइस ली है, इनकी किनारियों को हमने निकाल लिया है। ये छोटी वाली ब्रेड है इसलिए हमने 3 ली है, अगर आप बड़ी ले रहे हैं तो 2 ब्रेड की स्लाइसिस ऐड कर दें। अब हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर देंगे। और अब हमने इसमें 1/3 टीस्पून काली मिर्च पाउडर ऐड कर दिया, यानी कि 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम काली मिर्च पाउडर हमने लिया है। और इसी के साथ हमने 1/3 टीस्पून लिया है वाइट पेपर पाउडर। और इसी के साथ हमें इसमें ऐड कर देनी है 3/4 टीस्पून यानी कि 1/4 चम्मच चिली फ्लेक्स। आपके पास वाइट पेपर पाउडर ना हो तो आप काली मिर्च पाउडर की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं। अब हमने इसमें 1 टीस्पून भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया। आप यहाँ पर अदरक लहसुन की पेस्ट की जगह अगर आपके पास जिंजर पाउडर या फिर गार्लिक पाउडर हो तो वो भी ऐड कर सकते हैं। और अब हम इसमें 1/2 टीस्पून सोया सॉस ऐड कर देंगे। और अब हम इसमें 1 टेबलस्पून देसी घी ऐड करके इन सारी चीज़ों को मिक्सी में अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। और अब हमें सरफेस और हाथों को तेल से अच्छे से ग्रीस कर लेना है। और हमने जो मैरिनेशन बनाकर रखा है उसे हमें इस पर ऐड कर देना है। तो मिक्सी जार में पीसने के बाद हमने पहले इसे अच्छे से मिक्स कर लिया और अब हमें इसे ग्रीस की हुई सरफेस पर हाथों से इस तरह से फैला देना है। तो इस तरह से हमें इसे हाथों से फैलाते हुए रेक्टेंगल शेप दे देना है। और इसे शेप देने के बाद हमें इसे डीप फ्रीज में 2 घंटों के लिए रख देना है ताकि ये मैरिनेट भी हो जाए और चिकन अच्छे से सेट हो जाए। तो हमने इसे सेट होने के लिए 2 घंटों तक डीप फ्रीज में रख दिया था। अगर आपके पास वक्त है तो आप इसे इस तरह से सेट करने के लिए ओवरनाइट भी रख सकते हैं। और 2 घंटों तक रखने के बाद हमने इसे फ्रीज में से निकाल लिया है और अब हम इसे नगेट्स के शेप में काट लेंगे। तो हम यहाँ पर मीडियम साइज़ के पीसीस काट रहे हैं, आप इसकी साइज़ को थोड़ा बड़ा भी रख सकते हैं। तो इस तरह से हमने 250 ग्राम चिकन में से इस साइज़ के 20 नगेट्स बनाकर तैयार कर लिए। अब मैं आपको इसकी थिकनेस दिखाती हूँ कि हमने कुछ इस तरह से इसकी थिकनेस रखी है। अब हमें कोटिंग के लिए ब्रेड क्रम्स ले लेने हैं। और इसी के साथ हमने 2 अंडे लिए हैं। अंडों में 2 चुटकी नमक ऐड करके अंडों को अच्छे से फेंट लेंगे। और इसी के साथ हमने यहाँ पर कोटिंग के लिए मैदा लिया है। और अब हमें एक नगेट लेना है, उस पर सबसे पहले हम कोट करेंगे मैदा। मैदा अच्छे से अप्लाई करने के बाद हम इसे अंडे में डीप कर देंगे और इसे इस तरह से झाड़ कर फिर हमें इसे ऐड कर देना है ब्रेड क्रम्स में। और इस पर ब्रेड क्रम्स अच्छे से अप्लाई कर लेंगे। सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम बाकी के नगेट्स पर इन तीनों चीज़ों की कोटिंग अच्छे से अप्लाई कर लेंगे। इस तरह से हमने सारे नगेट्स पर कोटिंग अप्लाई कर दी है। और इन नगेट्स को इस तरह कोट करने के बाद आप किसी जिप लॉक बैग में या फिर एयर टाइट कंटेनर में रख के डीप फ्रीज में स्टोर भी कर सकते हैं। अगर आप इन्हें स्टोर नहीं कर रहे हैं तो इस तरह से फ्राई कर लें। तो नगेट्स को फ्राई करने के लिए हमें तेल को ज़्यादा गर्म नहीं रखना, मीडियम हॉट तेल रखेंगे और एक एक करके इसमें नगेट्स ऐड करते जाएंगे। और लो टू मीडियम फ्लेम पर हमें इनको फ्राई करना है। और जब ये एक तरफ से फ्राई हो जाएंगे तब हम इनकी साइड्स को चेंज कर देंगे और इसी तरह दूसरी तरफ से भी हम इसे फ्राई करेंगे। तो जैसे ही ये फ्राई हो जाएंगे हम इनको तेल में से निकाल लेंगे। तो लो टू मीडियम फ्लेम पर लाइट गोल्डन ब्राउन और क्रिस्प होने तक हमने इनको फ्राई कर लिया। और इसी तरह सारे नगेट्स को हम लो टू मीडियम फ्लेम पर तेल में फ्राई कर लेंगे। ये देखिए कितने बढ़िया हमारे चिकन नगेट्स बनकर तैयार हुए हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फिर मिलेंगे जायका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।